क्या ऐसी बात हुई? देखिए, हम अभी सीट डिमांड नहीं किए, अभी उधर से एक दो सीट का हल्ला उड़ रहा है और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि उस पर ध्यान नहीं दें। एक दो सीट पे हम लोग किसी के पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारी बिहार में 14% संख्या है, हम 14% के अनुकूल हमको 8 सीट हमको मिलना चाहिए और उतना सीट हम लोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। और हमारी अभी सबसे पहले हमारी मुख्य लड़ाई है कि समाज को न्याय मिले, आरक्षण। आरक्षण देता है तो हमें सीट कम दे ना दे उससे हमें फर्क नहीं गिरता, हम ऐसे लोगों को मदद करेंगे जो हमें आरक्षण देगा। प्रधानमंत्री ने क्या साथ में चुनाव लड़के वो वादा जो किया था वो भूल गए? जी हाँ, निश्चित तौर पे 2015 में जो देश के प्रधानमंत्री वादा किए थे उस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे और कहीं ना कहीं वो भूल रहे हैं। तो हम लोग 4 नवंबर को उनको याद दिलाने का काम करेंगे कि आप प्रधानमंत्री जी आपने जो वादा किया उसको पूरा करें, नहीं तो 2019 के चुनाव में मिसा समाज आपके साथ नहीं रहेगा। रामविलास जी के जो सीट मिलेगा उनके पार्टी को, क्या नहीं सीट चाहती आपकी पार्टी? उनसे ज्यादा हमें चाहिए क्योंकि हमारे वोट परसेंटेज 14% है, उनके पास अपना वोट परसेंट हम उनसे 3 गुना ज्यादा है। तो हम कहीं ना कहीं कोई अपने आप में कोई बोल दे हम बड़े भाई हैं 50-50 ले ले तो उससे मतलब नहीं है। वोट किनके पास कितना है वो आकलन लगना चाहिए। कोई बड़ा और छोटा रहने से चुनाव नहीं जीता जाता, जिसके पास अधिक वोट गिरता है वो चुनाव जीता जाता। तो चुनाव जिताने का सबसे बड़ा ताकत हम लोग के पास है। तो आने वाले समय में हम अधिक से अधिक सीट लेंगे, सीट कितना होगा वो समय डिसाइड करेगा। लेकिन हम ऐसे किसी पार्टी से हम कम सीट लेने का बिल्कुल ही मूड में नहीं, खास करके रामविलास जी का पार्टी से एक भी सीट हम कम नहीं लेंगे। रामविलास जी को सीधी टक्कर मिलने वाली है सन ऑफ मंदा से। भारत लाइव टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम हर पल हर खबर के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। जुड़े हैं हमारे साथ, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।